आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं इफ फॉर्मूला के अंदर नेस्टेड इफ। इसमें हम आपको ग्रेडिंग सिस्टम, स्लैब सिस्टम आपको समझाएंगे। जैसे कि मेरे पास कुछ स्कोर है, माने कि कुछ नेम्स है और कुछ स्कोर है, और मुझे इस पे जो है ग्रेड देना है। ठीक है सर, इस पे हमें कुछ ग्रेड देना है। तो ग्रेड का स्लैब कहता है अगर लेस देन 30 है तो हम देंगे डी ग्रेड। ठीक है, 30 to 40 है तो होगा सी ग्रेड, 40 to 70 है तो हम देंगे बी ग्रेड, और ग्रेटर देन 70 है तो हम देंगे ए ग्रेड। ठीक है सर, अब इसके लिए हम इफ फॉर्मूला ये तो लगाते ही है, लेकिन इसको बीवी के जरिए कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। तो विजुअल बेसिक पे आते हैं, इंसर्ट करते हैं विंडोज, एक बार देख लेते, बुक टू ही है ना माना, हाँ बुक टू ही। यहां पे सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहां पे देते हैं फॉर्मूला कि 4 i = चले 1 to कितना है 19, या फिर अपने हिसाब से इसको डायनेमिक कर सकते हैं, डायनेमिक करने आपको आता ही है। नेक्स्ट i और यहां पे हम कंडीशन देंगे, अब यहां पे नेस्टेड इफ चलेगा, स्लैब इफ, एल्स इफ जिसको बोलते हैं वो चलेगा। इफ रेंज B के साथ कंबाइन है हमारा I डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 30 देन रेंज C के साथ I को कंबाइन किया डॉट वैल्यू इज इक्वल टू C ग्रेड। Else, अब अगली कंडीशन के लिए हम कंडीशन हमारा सेम हो। अब इसमें देखा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बार बार इतना लंबा लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख देता हूं कि dim score as a long, और यहां पे हम s equal to और इसको ले लेते हैं, तो फिर हमें आसानी होगी, और इसको कर देते एस। और रिजल्ट के लिए हम डिम आर एज ए स्ट्रिंग, क्योंकि रिजल्ट एबीसीडी है स्ट्रिंग होगा, और यहां हम आर इक्वल टू सी कर देते, इससे सहूलियत होगी हमें। If s greater than 30 है तो रिजल्ट C हो, उसके बाद हमने यहां पे दिया else if, और यहां बोला s is less than equal to 50 then r equal to क्या होगा, r equal to होगा d, sorry c नहीं पर d है ना, ये d होगा ना d ग्रेड, और यहां हो जाएगा हमारा c ग्रेड। अब इसी चीज को मैं यहां से कॉपी करके पेस्ट करते हैं, यहां पे 50 के जगह पे हो जाएगा 70 और B के जगह पे हो जाएगा A।
और यहां पर जाएगा हमारा ग्रेटर देन 70 और ये हो जाएगा हमारा ए ग्रेड। और यहां पे हम कर देते हैं एंड इफ, और फिर करते हैं रेंज ए के साथ, एक रहेगा सी है ना, सी के साथ कंबाइन होगा आई डॉट वैल्यू इक्वल टू आर। इस लैब के हिसाब से लेगा उसको, एक मिनट टाइप मिसमैच कहीं पर है। अच्छा वन से नहीं, एक टू से चलेगा, हेडिंग है ना इसलिए। और टाइप मिसमैच क्यों आया इस चीज को भी देख लीजिए, देखा स्कोर है रेंज B1 पे स्कोर है जो कि हम S पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि S एक लॉन्ग है इसलिए वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, अब इसको प्ले करते तो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम आ गया। तो इसको तो हम इससे भी कर सकते हैं, अब इसको हम जो है दूसरा हम सिलेक्ट से भी कर सकते हैं। इफ सेम कंडीशन को हम सिलेक्ट कमांड से देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल्स डिफाइन किया है हमने वो सेम होगा, और यहां पर होगा कि सेलेक्ट एस सेलेक्ट केस होगा केस एस। अब यहां पर हम केस लिखेंगे, लिखेंगे 0 to 40, हाँ 30 है ना, 30 देन आर इक्वल टू डी ग्रे। फिर यहां पे केस हम यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेस देन 50, इस तरह से भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू डी ग्रे केस 50 टू 1 टू लेस देन इक्वल टू 50 करना पड़ेगा। तो R इक्वल टू B केस ग्रेटर देन 70 देन R इक्वल टू A और फिर एंड सिलेक्ट। और यहां पे रेंज C के साथ हमने I को कंबाइन किया डॉट रेंज के स्पेलिंग मिस्टेक, और यहां पे डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हमने यहां पे डाल दिया R और नेक्स्ट I हमने कर दिया। अब इसको मैं प्ले करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आ गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इंसेंटिव आपको देना है तो जैसे कि इंसेंटिव देना है यहाँ पे कि आपका सेल्स है और सेल्स में आप बोल रहे हैं कि मुझे 0 to 40 होगा तो 5000, 41 to 80 होगा तो 10000, 81 to 100 होगा 15000, greater than 100 तो 50000। तो ये चीजें भी आप जो है इसी इसी पर दे सकते हैं, बस स्लैब अपना चेंज कर दीजिए और जहां पे एबीसीडी डाला हुआ है वहां पे आप 5000 6000 जो है वो डाल दीजिए। ठीक है तेजेंद्र जी, हेलो, ठीक है सर। जी सर, तो आपको एल्स इफ इसी तरह से हम लगाते हैं स्लैब वगैरह और ये सब चीज निकालने के लिए। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको कोई फाइल देना जरूरी है, ठीक है। तो हमारे पास एक इफ कंडीशन का टेस्ट फाइल है जो कि हम एक्सेल में जो एडवांस एक्सेल सीखने वाले हैं उनको देते हैं। तो फॉर्मूला के जरिए करते हैं, आप इसी चीज को कीजिए किसके जरिए, VBA के जरिए। तो इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को समझिए, कुछ क्वेश्चन बहुत है
अब यहाँ पे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वांटिटी है यहाँ पे देना, ये क्वांटिटी अज ग्रेटर देन 60 है तो कमीशन को मल्टीप्लाई बाय 40 होगा, मतलब कि मुझे इसमें 40 रुपए पर पीस कमीशन देना है, लेकिन उन्हीं को देना है जिन्होंने 60 से ज्यादा सेल किया हुआ है, और हम इफ कंडीशन भी किए हुए हैं और विदाउट इफ कंडीशन भी इसको आप कर सकते हैं, तो दोनों करना है विद इफ एंड विदाउट इफ। क्वेश्चन नंबर टू है सिंपल, रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 40 है तो पास अदरवाइज फेल। क्वेश्चन नंबर थ्री है अगर डिस्टेंस इज 200 स्टडी अदरवाइज लोकल, एरिया देना है हमें। क्वेश्चन नंबर फोर है अगर टैक्स 500 से ऊपर है तो मुझे टैक्स निकालना है, तो 500 से ऊपर एमआरपी है तो यहाँ पे 12% नहीं तो 5% टैक्स निकालना है, 500 से कम वाले पे 5%। पांचवा क्वेश्चन है कि अगर हमारी जो ओवर ड्यूटी है अगर वो 10 बजे रात से ज्यादा की गई है तो ओटी आएगा अदरवाइज एनटी आएगा, और इसमें वो ये तो बता ही रखा मैं आपको कि अगर सारे रिजल्ट सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन 33 है तो पास अदरवाइज फेल, एंड के साथ भी है और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ईयर के साथ भी है, इसको वीवीए में कन्वर्ट करना है आपको, वीवीए के थ्रू बनाना है। क्वेश्चन नंबर सेवन ग्रेडिंग सिस्टम है जो कि मैंने अभी आपको बताया। आठवां नंबर क्वेश्चन जस्ट ग्रेडिंग सिस्टम के जैसा ही है, बस यहाँ पे आपको इंसेंटिव देना है, और इसमें एक और एडिशनल इंसेंटिव है कि ए इंसेंटिव तो देना ही आपको, साथ में एक इंसेंटिव यहाँ पे ये देना है कि अगर 85 to 95 हुआ तो 800 ऊपर से मिलेगा उसको, इसी में आपको एरर में देना है। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि अगर इसमें देखिए क्या है कि पैन नंबर, यहाँ पे पैन नंबर होना चाहिए और इसमें से कोई एक होना चाहिए तो ओ क्या होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसके जरिए कर रखा है या फिर एंड और के जरिए भी कर सकते हैं, इसको बनाना है। तो हमने आपको बताया था कि भाई कोई एक हो तो चले, लेकिन इसमें क्या है कि पैन नंबर इज ए कंपल्सरी, बाद बाकी में से कोई एक होना चाहिए, इसको आपको एंड और की मदद से भी और नेस्टेड एफ की मदद से दोनों एफ की मदद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर टेन, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेवन के जैसा है, एट के जैसा है, बस इसमें जो यहाँ पे क्या है कि एट में इंसेंटिव क्या है फिक्स है कि भाई 41 हुआ तो आपको 1000 रुपीज फिक्स मिल जाएगा, बस इसमें क्या है स्लैब है, मतलब कि अगर 0 से 40 हुआ तो आपको 20 रुपीज पर यूनिट मिलेगा, मतलब किसी ने 35 सेल किया तो उसको 35 मल्टीप्लाई बाय 40 मिलेंगे, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा हूँ। अब किसी ने 45 सेल किया तो यहाँ 45 या 60 रुपीज के हिसाब से, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 60 नहीं होगा क्योंकि 45 में से जो 40 है वो 20 रुपए के हिसाब से किया गया है, जैसे इनकम टैक्स में होता है ना कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम टोटल आपकी मान लीजिए 8000 रुपए है, 8 लाख रुपए है, तो आपको 8 लाख का 20% नहीं देना है, पहले 3 लाख आपका फ्री है तो 3 लाख पे 0 जाएगा, फिर 2 लाख पे आपको जाएगा 10%, और बाकी 3 लाख 5 और 3 जो 8 बचते हैं, 3 लाख जो हुआ उस पे आपको जाएगा 20%। उसी तरह से इसकी भी कैलकुलेशन है, तो इसको भी आपको वीवीए के थ्रू करना है। क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इंसेंटिव इंटरेस्ट निकालना है। एक बिल्डर है जो कि फ्लैट को रेडी करके बेचता है, तो फ्लैट की बुकिंग करता है और बुकिंग पे वो कहता है कि मुझे बुकिंग अमाउंट इसकी एमआरपी का 10% चाहिए, लेकिन होता है क्या है कि सारे कस्टमर नहीं दे पाते हैं, कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे पास अभी जैसे 2.5 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट है तो मैं 2.5 लाख रुपए भी नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास 1.5 लाख, बिल्डर कहता है ठीक है दे दीजिए, बाकी पैसे के लिए हम आपको 20 महीने का टाइम देते हैं, 20 महीने के अंदर आप पैसा दे दीजिएगा, लेकिन बहुत सारे कस्टमर 20 महीने में पैसा नहीं दे पाते तो उनका मुझे इंटरेस्ट निकालना होता है, मतलब कि इसमें चेक करना है कि फ्लोर जो है वो फ्लोर हमारा 5 फ्लोर तक ही एक नियम कानून है, 5 फ्लोर होना चाहिए, 5 फ्लोर से नीचे होना चाहिए और हमारी बुकिंग अमाउंट लेस देन 10% होनी चाहिए, फिर हमारा टाइम जो है आज के डेट से और बुकिंग डेट के बीच में 20 महीने से ज्यादा होना चाहिए, तो क्या हो 17% ईयरली के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि
एक लाख रुपया बच गया है और तकरीबन 35 महीने हो गए हैं, तो 35 महीने में से मैं माइनस करूंगा 20 महीना, 15 महीने हो गया, तो मैं इसमें 15 महीने का इंटरेस्ट निकालूंगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 17% डिवाइड बाय 12, तो 17% ईयरली है ना मंथली, ये हमारा इंटरेस्ट निकलेगा 21,250 रुपये। यही चीज आपको निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग के? जय जी, रमेश जी, किसी तरह का डाउट? ठीक है, मैं आपके फाइल भेजता हूँ, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर सारे क्वेश्चंस में आपने 70% भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इट मीन्स आपको इफ समझ में आ गया, नहीं तो फिर आपको इफ द्वारा पढ़ाना पड़ेगा मुझे। सनराज जी, आपकी ईमेल आईडी क्या है? तो इसको करके मुझे भेजिए, तो फिर हम कल आप लोगों के सारे फाइल्स पे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ओके सर, ओके, बाय, सी यू टुमारो।